हेलो बेटा, मुरीद को गोली लग गई है। क्या मुरीद कहाँ है? वो ठीक है? पता नहीं बेटा, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, मुरीद को गोली लग गई है। तुम्हारे पापा पे कातलाना हमला हुआ और उन पे चलने वाली गोली उसने अपने पे ले ली है। मम्मी, मुरीद को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आसमा बेटा, कुछ नहीं। वो क्या, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मी बस मुरीद के पास चलते। हाँ हाँ चलते। एमिल बेटा गाड़ी लगवाओ, ड्राइवर को गाड़ी निकाले। बेटा मुरीद को कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को ठीक करो। मैं ठीक हूँ, आप बस चले मुरीद के पास। कुछ नहीं हुआ उसे। फौरन चलो, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जल्दी आए। मुझे हर हाल में वो बंदा चाहिए एसपी साहब, जिसने फायर किया। क्या खाक ठीक कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि वहां सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला हो गया। एसपी साहब, फायर मुझ पर हुआ, ये तो अल्लाह का कर्म था कि मेरा नौकर सामने आ गया, वरना आप लोग मेरा जनाजा पढ़ रहे होते। भी करे, मुझे शूटर चाहिए। इसे क्यों लाई हो यहाँ? ठीक कहते हैं मुरीद, नौकर कुछ भी कर ले वो नौकर ही रहेगा, चाहे मालिक के लिए जान क्यों ना दे दे। क्या कर रहे हैं? उसका शौहर है, आप उसे बताएं मुरीद कैसा है। अभी हालत खतरे में है, डॉक्टर उसे चेक कर रहा है। अस्मा, अभी क्या सूरत आ रहा है डॉक्टर साहब? बस दुआओं की जरूरत है। सर फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन करना होगा फिर ही पता चलेगा। गोली पेट पर 5 जानम लगी है। शुक्र है दिल पर नहीं लगी, वरना पेशेंट जिंदा ना होता। लेकिन अब भी खतरे से बाहर नहीं। डॉक्टर साहब पैसों की फिक्र मत करें,
जितना चाहे खर्चा है, मुझे सिर्फ मुरीद चाहिए। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी इजाज़त से ही ट्रेड पर जाएंगे। आपको हर तरह की इजाज़त है, लेकिन बदले में सिर्फ मुरीद की ज़िंदगी चाहिए। देखें आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लगता है वो भाग गया है। और उसकी गाड़ी को तहवील में लो। और तुम इतने सारे लोगों से एक बंदे को नहीं पकड़ा क्या? चलो अस्मा, अस्मा बेटे इधर आओ मेरे पास। अस्मा बैठो मेरे पास। क्या हो गया है बेटा, हौसला करो। कहां से लाऊं हौसला, मैं कहां से हूं? दादा सब कर्म करेगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी तो देख रहे हैं ना। अच्छा पानी पियो, थोड़ा सा पी लो। सब ठीक हो जाएगा। अमीन तो ठीक है ना? जी अमीन, मामू तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। मुझे पहले ही खतरे की बू आ रही थी। लेकिन अमीन, शुक्र करो कि मुरीद साथ था। अगर वो साथ ना होता तो मुरीद कैसे? खतरे की तो कोई बात नहीं? अमीन मुझे उसका आइडिया नहीं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया। तुम्हें जाना चाहिए, उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारे मामू की जिंदगी बचाई है। हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने अपनी जान को खतरे में डाल के ये साबित कर दिया है कि वो वाकई नमक हलाल है, अपने बाप मुंशी करीम दीन की तरह। बेटा तुम हॉस्पिटल जाओ, अभी जाओ और वहां जाकर मुझे खैरियत की इत्तला दो। जी मेरी रगों में उसी नमक हलाल नौकर बाप का खून दौड़ रहा है। खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद अजियत मत दीजिए बेगम साहिबा। अपनी जिंदगी गुजारिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये जो तुम बार बार नमक हलाली की गवाही देते हो ना मुरीद, तुम भी मेरे आदत पर हो। किसकी चाचे से आई हूँ? बेगम साहब ने बुलाया मुझे। वक्त भी खुद को कैसे दोहराता है ना। इसी जगह खड़े थे ना तुम, और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। उन्होंने कहा था तुमसे कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो, याद है ना? और आज मैं कह रही हूँ कि यूं ही मुंह उठा के ना आ जाया करो। अब क्यों खड़े हो यहाँ, जाओ यहाँ से। जी जी बेगम साहब, जैसा आपका हुक्म।
था। और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप अपनी मोहब्बत बचाइए साहब, मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। कौन सी हार, कैसा खेल, किससे जीतना चाहता है ये? उसने ये कहा तुझसे? एमल, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस एक एहसान कर दो मुझ पर, कुछ दिन तक, बस कुछ दिन तक मुरीद पे नजर रखो। यही तो कमाल है मुरीद के झूठ की चमक का, कि वो बड़ी से बड़ी हकीकत को धुंधला देता है। अभी हालात ही तो पैदा करता है वो, और जब उसका मकसद पूरा होता है तो सारा कसूर अपने हालात पे डाल देता है। मुझे और अरसल को भी ये लगता है कि ये सब कुछ मुरीद ने किया है, उसने हालात ही ऐसे बना दिए थे। उसने अपना असर सबसे छुपाए रखा है, असल में वो कुछ और है। वो सच्चा था अरसल, हम झूठे। उसने जान पर खेलकर हम सबको मात दे दी। देखो इमल, मुझे लगता है इस वक्त कुछ भी कहना काफी प्रीमैच्योर होगा। दुआ करो कि उसे कुछ हुआ ना हो, वरना शायद हम सारी उम्र इस बोझ को उठाकर जी ना पाए कि हमने मुरीद की इस घर से वफा पर शक किया। नहीं एमल, वो सिर्फ एक हादसा था, असल में ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दलीलों का कोई फायदा नहीं है सर, हम हार चुके हैं। समझदार इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो किसी को बेवकूफ नहीं समझता। हाँ, नजरीब हो लेकिन बेवकूफ नहीं, समझदार। जरूरत से ज्यादा समझदार इंसान हमेशा नुकसान उठाता है मुरीद। जो बचता है बचा लीजिए साहब। मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, आप अपनी मोहब्बत बचाइए। ये झूठ सच का खेल तो चलता रहेगा। सब बड़े बूढ़े कहते हैं घर दामाद एक कुत। सॉरी साहब, मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समझ तो गए होंगे आप। साहब, अगर घर का नौकर घर दामाद बन जाए तो उसे प्रोग्रेस कहते हैं, तरक्की। और अगर आप जैसा पढ़ा लिखा पैसे वाला इंसान घर का दामाद बन जाए तो उसे तजलील कहते हैं। पर मुझे ये बताओ कि वो था कौन? वही था सर जिसकी मैंने आपको तस्वीर भेजी थी। एक लूमड़ी थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नज़र अंगूरों की बार पे पड़ी तो उसने सोचा कि अंगूर खा लेते, उसने जंप किया। अंगूरों का एक दाना भी उसके हाथ में, थक गई बेचारी। लेकिन उसकी अना नहीं थकी, खुद को तसल्ली भी देनी है, अना का पेट भी भरना है, तो उसने एक बात मशहूर करी, अंगूर खट्टे हैं। तो सर मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि क्यों बिला वजह से भाग भाग कर मेरे पीछे हलकान हो रहे हैं आप। अगर मुझ तक पहुंच भी गए ना तो मैं सच्चा निकलूंगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। कैसी हालत है मुरीद की? ऑपरेशन चल रहा है। खैर, तुम तो बच गए हो ना?
वो नौकर होकर बाजी ले गया और तुम अपने होकर बाजी हार गए। पेशेंट कामयाबी से हो गया है, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तेरा शुक्र है। अमीन साहब आपसे एक जरूरी बात करनी। आप चलिए मैं आता हूँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन जरा चेक करूँ मैं आता हूँ। सुनिए आप रुकेंगे या घर चलेंगे? जरा डॉक्टर से मिल लूँ फिर डिसाइड करता हूँ। लेकिन मरीज के पास कौन रुकेगा? वो आपने अपने नौकर के लिए इतना कुछ किया, आपका बहुत शुक्रिया। मरीज के लिए मैं रुकूंगी। नहीं मैं खुद रुकूंगी। बहुत गरीब हूँ मुस्तफा भाई, मेरे वाल तुम्हारे अलावा और बेगम साहिबा के अलावा और कोई नहीं है। क्यों बंद है तेरा? ये क्या जारी हुई मुस्तफा? तेरे यार मुरीद उधर जिंदगी मौत से लड़ा है और तू जा चुपा फिर रहा है। नहीं उठ, अपने यार को तू अपने यार को मुरीद का कुछ सामान है, इसके अलावा दरवाजे के बाहर मेरे नौकर मौजूद हैं, तुम्हें किसी किस्म की कोई भी चीज जरूरत हो तो तू उनसे कह सकती हो। नौकर को नौकरों की जरूरत नहीं होती, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं, अपने शोहर के लिए मैं काफी।
शक होने लगा है मुझे तुम्हारी और अपनी दोस्ती पर। रहने दे, यही मकसद था ना कि उसे अजियत मिले। मिल तो रही है उसे। तो मिल गई ना अजियत, पहुंच रही है उसे अजियत। हम मार देना इससे पहले कि उसे मारो मुझे मार दो, क्योंकि अमीन कुरैशी की मौत मुरीद की मौत है। मुस्तफा भाई समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या किया मुरीद, क्या किया यार? कैसे भाई, कौन कौन हो? अलग कमरे में आ गया शायद। ट्रेस करो ये बंदा जो मेरे कमरे से निकला कौन है। अभी के अभी सर ये बंदा मशकूक लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। और ये इससे बरामद हुई है? यस सर। और गूंगा तो नहीं है ये? नहीं सर। परेशानी की क्या बात है, हमारे आगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। नाम बताओ अपना। रखा था माँ ने बचपन में, बिल्कुल रखा था, मुझे याद है। रखा कहाँ था ये याद नहीं। देखा सर ऐसे ही बातें करता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है। समझो ना, समझो वरना निजाम कैसे चलाओगे आप, बताए ना। अस्पताल क्यों गए थे तू? अस्पताल क्यों गया था? इससे मिलने। किससे मिलने? जिसने आना था और नहीं आई, लेकिन आएगी, यकीन है मुझे, पूरा यकीन है। पता क्यों? कि उसकी कुछ बहुत जरूरी चीजें मेरे पास पड़ी हैं। और ले जाए इसको अवलाद में बनकर, सर में दर्द करके रखा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पहले बोलते हैं आपके, बोलता नहीं है। आप बोल रहा हूँ तो बोले, चुप कर जाओ। क्या चाहते हो आप लोग यार? चुप करे, चुप कर, आगे चल। नहीं चल, अरे बंद कर दो क्या? अरे मुझसे प्यार करती है वो, मेरे को इज्जत है उसकी आंखों के सामने। अरे मत करो ऐसे। कच गया,
क्यों रो रही है? पता नहीं क्यों रो रही हो। अब तो रोने का वक्त गुजर गया है ना आसमा। का शुक्र है मुसीबत टल गई। मुसीबत टली नहीं है, मुसीबत तो साफ पर आई है। क्या वो पकड़ा गया वो उस ध्यान कहीं और लगा। अब संतरे गाना सुनाओ, तुझे संतरी गाना सुनना यार। होया लम्बिया जुदाइया हंजू मुक गए ने सारे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। चुप हो जाए। मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चो मुकी ना उड़ीक वे। कोई 302 नहीं हो गई है तेरे को जो तू बार बार गाने गा रहा है? 302 तो सबको ही भी है यार, बस ये नहीं पता किसी को कि तख्ते पे अगला कौन चढ़ रहा है। 302 ये तो सब पे आनी है, बस वो नहीं आ रही जिसने आना था, वो नहीं आ रही यार। फिर शुरू हो गया तो चुप कर जाओ, मेरा डंडा तैयार है। यार की याद पे भी पाबंदी, यार की याद पे पाबंदी लगाने, ये भी 302 से कम नहीं है संतरी। लेकिन तू क्या जाने, ये प्यार हुए तुझे कभी है? हुआ प्यार या बच्चे करके खत्म कर दिया है? हुए? ओए, ओए। अमीन, ये मामला इतना संगीन होगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आपको अच्छी तरह अंदाजा था, इसलिए आपने अपने लखते जिगर को मेरे साथ नहीं भेजा। तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत किया? बिल्कुल ठीक किया आपने। अगर आपका लखते जिगर मेरे साथ होता तो मेरा बचना मुश्किल था। ये तो अच्छा हुआ कि मुरीद मेरे साथ था और अल्लाह का करम हो गया। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो मीन कुरैशी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे सामने शर्मिंदा हो, लेकिन इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आपने मुझसे अपनी बेगानगी का जो इजहार किया है। ये मामला वाकई कारोबारी है? मेरा मतलब है कारोबार में भी कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जो जान लेने पे उतर आए। ये बात मेरी अक्ल, मेरे तजर्बे और हमारे खानदान के रुतबे के होते हुए बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, पुलिस इस पे तहकीक कर रही। जान लेने का इरादा सिर्फ वो ही रखता है अमी जिसके पास खोने को कुछ ना, गोया उसका सब कुछ खो चुका है। कहीं तुम किसी के खसारे का सबब तो नहीं बन बैठे?